उम्मीद, तुम्हें ये बिजनेस वाला शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है, सारे अमीर लोग बिजनेस करते हैं, वर्ल्ड टू वर्ल्ड पे जाते हैं, और मेरा तो ये पुराना ख्वाब है कि मैं बिजनेस करूं, वर्ल्ड टू वर्ल्ड पे जाऊं। बस सिर्फ मल्टीपल वीजा लगने की देर है, जो कि मैंने ट्रैवल एजेंट को बोलकर लगवाने के लिए दे दिया है। उड़ा दो सारे पैसे, तुम्हें वैसे भी सुकून नहीं आएगा जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। तुम बेफिक्र आओ, मैं ये पैसे खत्म होने से पहले इन पैसों को डबल कर लूंगी। वैसे जो आज प्रजात कहानियां सुनाकर गया है ना, मुझे नहीं लगता कि पाशा साहब तुम्हें कुछ करने देंगे। अब तुम बेफिक्र आओ, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी नानी। खुदा के लिए एक नया मसला ना खड़ा करना, समझाओ ना आया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों सुबह से जल कुकड़े बने सबको काट बल्कि कच्चा खा जाने के लिए दौड़ रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल ट्रैवल एजेंट्स भी फ्रॉड होते हैं। बस समझाना, कभी बहन का साथ मत देना, और तुम अपनी हरकतों से कभी बाज ना आना। बाबा तुम्हारी शादी तय करके ही रहेंगे, पता है ना? हाँ पता है, सुन लिया था। उसने मुझे याद किया, कॉल करता हूं। हेलो हेलो, लगता है मैं आपके ख्वाबों ख्यालों पे छा ही गया हूँ। उम्मीद जी, आप मुझे इस कदर याद करती हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, या मेरे सर पर रातों रात सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी? अरे आप माने या ना माने, ख्वाबों ख्यालों पे किसी का इख्तियार नहीं होता उम्मीद जी। और ना ही एज के ऊपर, आपका मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं बल्कि बिगड़ गया, क्योंकि जैसे याद करने से मूड ही खराब हो जाए ऐसा फजूल सा ख्याल है आप, और मैं फजूलियत में नहीं पड़ती है। यानी आप नहीं थे वो? ऐ खुदा, थोड़ा सा तो हिचकियों में फट डाला होता, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हसीना ने मुझे याद किया? जी मैं वो हरगिज नहीं थी, क्योंकि जब मैं आपको याद करूंगी ना तो इतना याद करूंगी कि आपको हिचकी नहीं बल्कि सीधा दिल का दौरा ही पड़ेगा। उम्मीद जी आपकी इसी बातों की वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है। और मेरा मूड? अरे उम्मीद जी रहने दीजिए, मुझे मालूम आपकी नींद तो आजकल सिर्फ पाशा साहब की डांट की वजह से खराब हो रही है ना। अच्छा तो सुनगुन लेने के लिए उसने तुमसे कॉल करवाई है? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों मिले हो। हाँ पड़ गई डांट, बता देना उसे कि खुश हो जाए, मगर उसे एक बात और बता देना, ये जो पाशा साहब के सामने मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं भी देख लूंगी उस चंगेज खान के भतीजे को। अरे मैंने खुद आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया है, चाहे तो आप मुझसे कसम उठवा लीजिए। बस बस रहने दो, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं बल्कि मेरी हालत का मजा लेने के लिए तुमने कॉल की, मगर मैं तुम्हें बता दूं मैं बहुत मजे में हूं। और उसे बता देना कि जितना मर्जी पाशा साहब के कान भर ले, शादी मैं हरगिज नहीं करूं। शादी? फोन भी रखे, हिचकियां भी रुके।